हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीज क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी 2020 आज़ाद पटेल ने टॉप किया है। उन्होंने टोटल 509 अंक प्राप्त किए हैं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। नतीजों की घोषणा टॉपर। नतीजों की घोषणा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने की। बीएसटीसी प्री डीएलडी परीक्षा जनरल में आज़ाद पटेल ने 597 में से 509 अंक हासिल किए तथा टॉप किया। दूसरा स्थान गोपेश कुमार शर्मा जिनके भी 509 अंक और तीसरा विजय कुमार लोटा ने हासिल किया। वहीं बीएसटीसी प्री डीएलडी परीक्षा संस्कृत कोर्सों में चंद्रशेखर ने पहला, बोनी राम ने दूसरा, कनिष्का कुमारी शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। यानी जनरल में 88.06% व संस्कृत में 78.56% वाले उम्मीदवार टॉपर रहे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इसमें लास्ट कटऑफ नहीं होती। शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट की घोषणा के दौरान कहा, कोरोना के दौरान ये परीक्षा संपन्न करवाना बड़ी बात है। पहले लगभग 2000 परीक्षा केंद्र होते थे, इस बार 3656 परीक्षा केंद्र बनाए गए ताकि किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा करवाई जा सके। 25 की जगह 15 बच्चे रूम में बैठाए गए तथा बांसवाड़ा में अतिवृष्टि की वजह से एग्जाम से थोड़ी देर पहले परीक्षा केंद्र चेंज किया गया। 66 चिन्ह 13 में से 61 15 परीक्षा में बैठे गए 57462 छात्र अनुपस्थित थे। सफल बच्चे 2 साल का डीएलडी कोर्स करेंगे। मेरिट में आने वाले बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरिट में स्थान अंक प्राप्त किया है। जल्द शुरू होगी काउंसलिंग तथा जिन्होंने भी 400 से ऊपर अंक प्राप्त किए उनके लिए बहुत ही अग्रिम बधाई हो, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हें अच्छी कॉलेज मिले, भगवान से प्रार्थना है कि उनको अच्छी कॉलेज मिले। जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। कॉलेज लिस्ट प्राथमिकता के आधार पर चुननी होगी। कॉलेज फिल करने के बाद आवंटन सूची जारी होगी। सूची में उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। यानी कि आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगी 1-2 दिन बाद में। उस काउंसलिंग में अपना फॉर्म भरवाना है, उसकी फीस लगभग 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये रहती है। पिछले साल 3000 रुपये थी जो कि वापस आ जाते हैं, 400 रुपये कट के, उससे पहले 2000 रुपये थी। उसका काउंसलिंग का फॉर्म भरवाना है, उसके बाद में आपको कॉलेज आवंटित होगी। जिनका फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है 400 से ऊपर वालों का, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं आता है 300 से ऊपर वालों का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन जिनका नहीं आता है उनके लिए भी बहुत खुशखबरी होगी क्योंकि 300 नंबर वालों को सेकेंड लिस्ट में मिल जाएगी और जिनके सेकंड लिस्ट में भी नहीं आता उनको थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। सो दोस्तों, सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अपना काउंसलिंग ज़रूर करवाइए, जिससे कि आपको, और काउंसलिंग कराते समय आपसे निवेदन है कि प्लीज़ ऑल राजस्थान ज़रूर करना। ऑल राजस्थान, यदि आपके कम नंबर है तो ऑल राजस्थान करना, इससे आपको कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त को किया गया था और इसमें 669,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक 2 सालों का ये डिप्लोमा बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। इसके द्वारा आप अभी 12th पास किए हैं, आपकी एज लगभग 18 वर्ष है और 2 साल का डिप्लोमा करते हैं। 2 साल का डिप्लोमा करते ही आप 20 वर्ष के हो जाएंगे। 20 वर्ष के होते ही आपको टीचर बनने का मौका मिल जाएगा। जब भी रेट की वैकेंसी निकलती है आप उसमें अप्लाई करके 3rd ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। सो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उनके लिए बहुत ही शुभकामना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।